नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज में। NPS के तहत कवर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए PFRDA लेके आ रहा है बड़ी ही धांसू स्कीम। NPS के तहत भी कर्मचारियों को मिलेगी पेंशन की गारंटी। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि NPS के सब्सक्राइबर्स को जल्द ही एक शानदार खबर मिलने वाली है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि PFRDA NPS के तहत न्यूनतम सुनिश्चित रिटर्न योजना की शुरुआत करने जा रहा है। PFRDA के चेयरमैन ने हाल ही में एक इंटरव्यू के तहत इसकी जानकारी दी है। PFRDA के चेयरमैन दीपक मोहंती ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि पेंशन फंड नियामक NPS के तहत मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न स्कीम यानी कि MARS पर काम कर रहा है और इसे निकट भविष्य में शुरू किया जाएगा। हालांकि इससे NPS के सब्सक्राइबर्स के लिए लागत भी बढ़ जाएगी। मोहंती ने आगे कहा कि मिनिमम रिटर्न की गारंटी के चलते NPS की लागत भी बढ़ेगी। अभी के समय में NPS की बात करें तो इसे ज़्यादा पसंद नहीं किया जा रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण है कम लागत वाली इस संरचना की वजह से कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की पेंशन की गारंटी नहीं मिलती है। इसलिए NPS को कर्मचारियों के द्वारा और अन्य सब्सक्राइबर्स के द्वारा कम पसंद किया जा रहा है। तो अभी यहाँ पर PFRDA एक ऐसा प्लान बना रहा है जिसके तहत कर्मचारियों को मिनिमम पेंशन की गारंटी दी जाएगी। तो काफ़ी अच्छा फैसला ये लिया जा रहा है NPS को और ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए। तो इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि क्या NPS के तहत कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन की गारंटी मिल पाएगी या कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 है, जिस जो भी कर्मचारियों के लिए है, जिसमें भी कर्मचारियों के द्वारा भी योगदान दिया जाता है और एम्प्लॉयर के लिए के द्वारा भी योगदान दिया जाता है, लेकिन वहाँ पर भी पेंशन 1000 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक ही बनती है। तो कहीं NPS कर्मचारियों के लिए भी ऐसा ही साबित नहीं हो जाए। लेकिन फिलहाल PFRDA के द्वारा इसके संबंध में कार्रवाई की जा रही है और PFRDA एक ऐसी स्कीम पर काम कर रहा है जहाँ पर NPS के तहत कर्मचारियों को न्यूनतम रिटर्न की गारंटी दी जाएगी। तो इसके बारे में भी आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें आपके दोस्तों के साथ जिससे वो भी इस बड़ी अपडेट के बारे में जान सकें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।